निजामाबाद में सड़कों पर बड़ी संख्या में आवारा सांडों से जनता परेशान। निजामाबाद की सड़कों पर सांड मालिक कसाईयों द्वारा रोड पर बड़ी संख्या में अपने पाले हुए सांडों को मुफ्त फ्री में खाने के लिए छोड़ देते हैं। हष्टपुष्ट होते ही काटने भेज दिया जाता है। इन सांडों से ट्रैफिक जाम होता है और ये सांड कब रोड पर चलते हुए राहगीर को मार डाले पता नहीं, इस बात का भी डर बना रहता है। बहुत बार सांडों के हमलों से घायल हुए महिलाएं और पुरुष दवाखाने में भर्ती हो चुके हैं। रात में सांड दुकानों के चबूतरे पर बैठ जाते हैं, गोबर से पूरी दुकान का चबूतरा भर देते हैं। सुबह बड़े परिश्रम से पानी से धोकर रोज सफाई करनी पड़ती है। दुकानदारों को कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे रस्सी बांधी है जिससे चबूतरे पर वो बैठे नहीं। ऐसी तो समस्याएं तो पूरे शहर में है, लेकिन गोदाम रोड, गौशाला रोड, रामगोपाल विधि, किशनगंज, गांधीगंज में समय बहुत ज्यादा है। जब सांड बीमार हो जाता है या दुर्घटना में मर जाता है तो इनके मालिक नहीं आते। इन क्षेत्र की जनता ने नो भारत न्यूज चैनल के जरिए मांग की है कि निजामाबाद मेयर नीतू किरण, म्यूनिसिपल कमिश्नर विधायक धनपाल सूर्य नारायण, सांसद अरविंद से की है कि इन आवारा सांडों पर अंकुश लगाएं, इनके मालिकों को सख्त हिदायत दें कि अपने परिसरों में ही इन्हें रखें, ना कि रोड पर छोड़ें। तेलंगाना निजामाबाद, नो भारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट।